जैसे अपने श्रोडिंगर इक्वेशन लिखा था ना, जो श्रोडिंगर इक्वेशन अपन ने लिखा था दैट इज श्रोडिंगर इक्वेशन है ना, तो उसमें अपन ने लिखा था दैट इज द इक्वेशन इज डेल स्क्वायर शाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर शाई ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई ओवर डेल जेड स्क्वायर है ना प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इनटू ई माइनस वी वी पोटेंशियल एनर्जी साई इज इक्वल टू जीरो दैट इज द इक्वेशन व्हाट वी हैव रिटन। तो इसमें जो एक्स वाई जेड है ना, जो एक्स वाई जेड अपन ने लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, दे आर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि एटम जो होता है वो स्फेरिकल होता है, एटम जो होता है वो स्फेरिकल होता है। अगर एटम स्फेरिकल होगा तो और सेंटर में न्यूक्लियस है भी ना, सेंटर में न्यूक्लियस है, तो ऑब्वियसली बात है कोई एक एक्सिस हमें क्या करना होगा, चूज करना होगा, क्योंकि उसमें एक्स एक्सिस भी होगा, वाई एक्सिस भी होगा और जेड एक्सिस भी होगा, ऐसे होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस भी होगा, वाई एक्सिस भी होगा, जेड एक्सिस भी होगा। तो अपन इसमें अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि ये एक्स वाई जेड एक्सिस इज लाइक दिस, मतलब तीन एक्सिस हैं, और ये मान लेते हैं अपन ये वाला एक्स एक्सिस है, और उसमें मानना क्या, पहले अपन देख लेते हैं कि आप क्या करने वाले हो। अपन को ऐसे गिवन है ये एक्सिस, ऐसे गिवन है, मतलब यहां पर ये जो है ये एक एक्सिस ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, जैसे क्वाड्रेंट्स में होता है, ठीक है ना। तो अब ये 3D स्ट्रक्चर है, तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे भाई 3D स्ट्रक्चर में इसमें एक एक्सिस ये होगा, एक एक्सिस ये होगा, एक एक्सिस ये होगा। तो अब ये होगा कि अगर ये फुटबॉल जैसे शेप है तो इसमें एक्सिस कैसे ढूंढेंगे, तो डिसाइड हुआ कि ऑब्वियसली बात है डिसाइड किया, वी कैन से दैट कि जो जेड एक्सिस होगा वो अपन चूज करेंगे, जेड एक्सिस इज ऑलवेज अ आर्बिट्री एक्सिस, इसलिए जेड एक्सिस को पहले हम डिसाइड करेंगे। हम कहेंगे अगर ये जेड एक्सिस है तो ये एक्स होगा, ये वाई होगा, या फिर ये एक्स होगा तो ये वाई होगा। तो जेड एक्सिस जो होता है वो हमेशा हम चूज करते हैं, तो जेड एक्सिस जो होता है वो हमेशा हम चूज करते हैं, तो हमने ये चूज कर लिया, ये अगर जेड है तो अपन कहेंगे ये एक्स हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, तो ये एक्सिस हमने चूज कर लिया। अब हमने कहा ठीक है भाई, अगर ये z है तो आपने इसको x ले लिया और इसको y एक्सिस ले लिया, वो 3D में मैंने ऐसे बना रखा है, बट वो ऐसे नहीं होगा, these three are 90 degree to each other। अब अपन assume कर लेते हैं कि suppose अपने पास जो given है, तो we'll write that कि suppose इसमें ना ये इलेक्ट्रॉन है, इधर अपन ने assume कर लिया कि ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो इसके एक्सिस बताओ। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई अगर इसके एक्सिस बताने हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो अपन क्या करेंगे एक्स वाई जेड से बताएंगे, इधर था इलेक्ट्रॉन, तो अपन ने कहा देखो इधर आप वाई एक्सिस पे आ जाओ, फिर एक्स एक्सिस की तरफ जाओ और फिर ऊपर आप जेड एक्सिस में जाओ, मतलब जो भी लाइन इनसे पैरेलल बनेगा वही एक्सिस कहेंगे अपन, मतलब अगर मुझे यहां तक जाना है राइट ना, तो आप ऐसे थोड़ी बोलोगे कि भाई नहीं सीधा ही चले जाते हैं, नहीं वो तो उससे न्यूक्लियस से डिस्टेंस होगा उसका, दैट विल बी आर। तो अपन क्या करेंगे, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए अपन को, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स ये आपने यूज किया ना, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स, तो अपन क्या करेंगे इस न्यूक्लियस से एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस और फिर ऊपर की तरफ जेड एक्सिस, ऐसे आना पड़ेगा। तो अपन अज्यूम करके देखते हैं इन दिस ग्राफ है ना, तो इस ग्राफ में अज्यूम करके देखते हैं, तो भाई अपन कहेंगे अगर मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो अपन कहेंगे ये तो इसका डिस्टेंस हो गया न्यूक्लियस से, थोड़ा ऐसे बना लेते हैं अपन है ना, ये तो इसका डिस्टेंस हो गया न्यूक्लियस से और इसको ले लेते हैं अपन आर, द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ले लेते हैं अपन, तो इसको क्या बोल देते हैं आर। अब अपन क्या करेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे, मुझे ना इसके एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स चाहिए, क्या चाहिए अपन को, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट चाहिए। अगर आपको एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट चाहिए
तो आपके करना पड़ेगा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा इससे, है ना, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा इससे, फिर आप इसके कोऑर्डिनेट्स बना सकते हो। तो ये जो परपेंडिकुलर आपने जो ड्रॉ किया ना, दिस परपेंडिकुलर विल बी पैरेलल टू व्हाट, ये जो परपेंडिकुलर अपन ने ड्रॉ किया ना, दिस परपेंडिकुलर विल बी पैरेलल टू जेड एक्सिस। ठीक है भाई, अगर ये परपेंडिकुलर जेड एक्सिस से होगा तो ये मेरा जेड कंपोनेंट हो जाएगा, इससे पैरेलल हो जाएगा। और फिर अपन कहेंगे कि भाई अगर हमें अपना वाई कंपोनेंट चाहिए तो वो इससे पैरेलल होगा, तो इससे पैरेलल होगा तो ये अपना वाई कंपोनेंट हो जाएगा, ये वाई कंपोनेंट हो जाएगा। तो जेड इसका एक्स एक्स कंपोनेंट क्या होगा, तो अपन कहेंगे ये इसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा। तो अपन कहेंगे ठीक है, आपने जो ड्रॉ किया है अभी वो ये ड्रॉ किया है ऐसे, कि आपने जो अभी मुझे बताया है उसमें आपने ऐसे बताया भाई अगर ये z एक्सिस है तो ये x और y है, आपने ऐसे बताया x और y हो गए ये दोनों, ठीक है ना, ये दोनों x एक्सिस और y एक्सिस हो गए 90 डिग्री जैसे। तो आपने क्या किया है कि इधर जो इलेक्ट्रॉन आप अज्यूम कर रहे थे ना, आपने इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इधर, तो ये पैरेलल हो जाएगा किसके, z एक्सिस के, तो ये हो गया z कंपोनेंट। ठीक है, अब आप क्या करोगे, एक बनाओगे ये x एक्सिस था तो इसके पैरेलल में बनाया x कंपोनेंट, तो y कंपोनेंट क्या होगा, तो अपन कहेंगे इसके पैरेलल में बनाओ एक y कंपोनेंट। तो अपन ने ये पता लगा लिया कि इसका यहां से जो अपन ने यहां से ड्रॉ किया ना परपेंडिकुलर, तो इसका y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है और z एक्सिस से कितना डिस्टेंस है वो बनाया। तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, जब ये यहां पर था तो अपन को पता चल गया भाई परपेंडिकुलर ड्रॉ करके कि इससे इसका कितना डिस्टेंस है, मतलब जो अपन यहां पर बात कर रहे थे कि इससे कितना डिस्टेंस है जब यहां पर है, तो अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब अपन क्या करेंगे, इसको अपन ने बताया भाई ये तो z एक्सिस है तो इसके पैरेलल में ये z एक्सिस हो गया, ये अपना x एक्सिस था तो इसके पैरेलल में x एक्सिस हो गया। और अपन ने कहा अगर मुझे यहां तक जाना है तो अपन क्या करेंगे, कैसे जाएंगे, तो अपन कहेंगे न्यूक्लियस से, इसको न्यूक्लियस अज्यूम कर लिया अपन ने भाई, यहां पर अपन ने कहा ये न्यूक्लियस ओरिजिन हो गया तो इसको अपन न्यूक्लियस कहेंगे। आप न्यूक्लियस से इस डिस्टेंस पे जाओ वाई एक्सिस में, इस डिस्टेंस पे जाओ एक्स एक्सिस की तरफ, और फिर आप इस डिस्टेंस पे जाओ जेड एक्सिस की तरफ, तो आपको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा एंड दैट इज द जेड कंपोनेंट्स, दैट इज कॉल्ड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। और ये जो रीजन होगा जिसमें ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है दैट विल बी कॉल्ड एज ऑर्बिटल वेव फंक्शन, तो अपन उसको ऐसे बना देंगे, ये ऑर्बिटल वेव फंक्शन हो गया, अपने लिखा हुआ है ऑर्बिटल वेव फंक्शन इज अ राइट ना, दैट इज दैट डिपेंड्स ऑन द कोऑर्डिनेट्स दैट रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेयर द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट और रीजन वेयर द इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रेजेंट। ठीक है, तो वो अपन ने लिखा हुआ है। अब अपन कहेंगे ठीक है, लेकिन होता क्या ना, ये तो आपने एक्स वाई जेड बताया, लेकिन ऐसे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट तो अपन तब लिखते हैं जब इसका क्यूबिक शेप होता है, ये तो स्फेरिकल शेप में है ना, तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे सिंस एटम इज स्फेरिकल इन शेप सो इट मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय पोलर कोऑर्डिनेट्स, मतलब अपन को इसको ना पोलर कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, मतलब एक्स वाई जेड की जगह हमें किससे रिप्रेजेंट करना चाहिए इसको, तो हमें पोलर कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करना चाहिए। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, दैट इज एंगल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो एक्चुअली जो ये डिस्टेंस अपन ने बताया ना न्यूक्लियस से, ये आर जो बना है ना, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, उससे जो ये एंगल बनेगा ये अपन को लेना होता है थीटा, दैट इज कॉल्ड द जीनथ एंगल, उसको अपन कहते हैं जीनथ एंगल। तो ये इसके एंगुलर मोमेंटम्स हो गए जीनत एंगल, एंड विल से दैट अगर अपन कैलकुलेट करना चाहें कि भाई इसको अगर हम एक ऐसे ड्रॉ करना चाहें बाइसेक्टर जैसे, तो इसका या तो जेड एक्सिस के साथ ले लो, एक्स के साथ ले लो एक्सिस के साथ, या वाई एक्सिस के साथ ले लो कि कितना कंपोनेंट बन रहा है,
तो अपन इसको लिखेंगे फाई दैट इज कॉल्ड एंगुलर एंगल. तो इसमें थीटा इज कॉल्ड जीनथ एंगल. एंगल एंड फाई इज कॉल्ड एंगुलर एंगल. ये अपन ने पहले भी लिखा हुआ है. अगर आप देखोगे तो ये पहले मैंने लिखे, बस डायग्राम के अलावा बाकी सब मैंने पहले भी बताया हुआ है. ठीक है, वो कैसे, तो मैं बताता हूं आपको कैसे कि भाई अपन ने पहले कैसे लिखा हुआ है इसको. कि जैसे अपन ने पहले बताया ना मैंने कि दैट इज ऑर्बिटल वेव फंक्शन. ऑर्बिटल वेव फंक्शन इज इक्वल टू रेडियल वेव फंक्शन मल्टीप्लाई बाय एंगुलर वेव फंक्शन. ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है. और मैंने ऑर्बिटल वेव फंक्शन को क्या लिखा है, शाई दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट, एन एल एंड एम लिखा है मैंने. और रेडियल वेव फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, तो मैंने लिखा दैट इज एन और एल पे, और इसको आर से डिनोट करेंगे. और एंगुलर वेव फंक्शन को ए से डिनोट करेंगे, इट विल डिपेंड ऑन एल एंड एम, और इसको थीटा और फाई से डिनोट करते हैं, दे आर एंगल्स. यही ऑर्बिटल वेव फंक्शन है जिसको अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से लिख रहे थे. बट वी शुड राइट विद व्हाट, थीटा फाई एंड आर, इससे रिप्रेजेंट करना चाहिए. ये इसके राइट ना फंक्शन है, मतलब हमें आर थीटा और फाई से रिप्रेजेंट करना चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को, राधा धन की हम एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करें. तो यहां पर जो ये वाला पार्ट होगा, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगा जो आर से डिनोट करेगा, और ये थीटा हो जाएगा और ये फाई हो जाएगा. तो लेकिन हम दोनों को एक साथ ही पढ़ते हैं, ये थीटा और फाई अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं विदाउट मैग्नेटिक फील्ड. सो अपन ने उनको एक साथ लिखा हुआ है, ये तो अपन ने पहले बता रखा है. बस ये डायग्राम में अपन ने लिख लिया भाई कैसे लिखना है अपन को. तो ये थीटा हो जाएगा, और अपन को पता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ये एंगुलर क्वांटम नंबर होता है, और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है. तो इसमें अगर अपन z कंपोनेंट लिखेंगे ना, तो z कंपोनेंट लिख सकते हैं अपन, z will be, that is z component. तो z component जो आएगा ना इसमें अपन को, तो z component will be equal to, चलो देख लेते हैं क्या आता है. अगर हम cos theta लिखें, राइट ना, अगर हम cos theta लिखेंगे तो cos theta will be equal to what? तो अपन कहेंगे इधर z है और इधर r है, ये थीटा है, तो थीटा से अपोजिट तो परपेंडिकुलर होता है. थीटा से अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना. तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है. तो अपन को क्या मिलेगा, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू क्या आएगा अपने पास, जेड बाय आर, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो अपन लिख सकते हैं भाई जेड कंपोनेंट क्या है, मेरे पास जेड बाय आर आ रहा था, तो मैं आर कॉस थीटा लिख देता हूं. कॉस थीटा विल बी इक्वल टू जेड बाय आर, बिल्कुल वैसे ही मैं यहां से लिख सकता हूं, दैट इज अ वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट. तो अपन लिख सकते हैं भाई इसमें एक्स कंपोनेंट, मतलब ये इधर वाले कंपोनेंट की बात कर रहे हैं अपन, ये जेड कंपोनेंट था. तो इसमें एक्स कंपोनेंट आता है आर साइन थीटा साइन फाइ, दैट इज कॉस फाइ, और वाई कंपोनेंट आता है आर साइन थीटा साइन फाइ, ये कंपोनेंट्स है. तो ये वाला पार्ट अपन को उतना जरूरी नहीं है पढ़ना, बस हमें पता होना चाहिए कि कम से कम कि ये कंपोनेंट्स हमने कैसे कैलकुलेट किए. वी कैन राइट लाइक दैट. अगर कॉस फाई कैलकुलेट करना चाहते हैं कैलकुलेट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट, जैसे अपन ने थीटा के लिए कैलकुलेट किया. तो ये सारा पार्ट अपन ने पहले से पढ़ रखा है. अब अपन सबको पता है कि ऑर्बिटल वेव फंक्शन इज नथिंग बट ये जो शाई से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है शाई का. तो हमें क्या करना होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के लिए साई स्क्वायर लिखना होता है. तो साई स्क्वायर विल बी इक्वल टू दैट इज मल्टीपल ऑफ रेडियल वेव फंक्शन एंड एंगुलर वेव फंक्शन. और अगर एस ऑर्बिटल है तो उसके लिए एंगुलर वेव फंक्शन हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि एस ऑर्बिटल तो स्फेरिकल होता है, उसमें एल का वैल्यू जीरो होता है, और जब एल का वैल्यू जीरो होगा तो एम का वैल्यू भी जीरो होता है. तो एस ऑर्बिटल के लिए एंगुलर वेव फंक्शन नहीं होगा, सिर्फ रेडियल वेव फंक्शन होगा. सो फॉर एस ऑर्बिटल, फॉर एस ऑर्बिटल है ना, एंगुलर वेव फंक्शन दैट इज ए थीटा
phi will be equal to zero, वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन, लेकिन मैंने आपको ये पार्ट बताया हुआ है बिकॉज ये डायग्राम अपन से कभी कोई नहीं पूछने वाला कि बताओ कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, लेकिन अभी मैंने आपको लेकिन ये भी बताया है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स। ठीक है, अब आप कॉम्प्रिहेंशन 4 को पढ़ो और उसका क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आपको बस ये पता होना चाहिए क्योंकि ये वैल्यूज हमें याद रखने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना, तो आप एक बार उसको पढ़ो क्वेश्चन, उसको कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ो पहले एक बार, फिर मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन समझा देता हूं। मैंने जो आपको बताया बस वही लिखा हुआ है उसमें, अब कॉम्प्रिहेंशन पढ़ो। जो उसमें एंगुलर पार्ट और रेडियल पार्ट गिवन है ना, जो बड़े बड़े इक्वेशन गिवन है, उन सबको छोड़ देना, वो कभी अपन को नहीं पूछेंगे, हमेशा अपन को क्वेश्चन में गिवन होंगे। बस आप थ्योरेटिकल वाला पार्ट जो लिखा हुआ है ना, वो थ्योरी पार्ट पढ़ दो आप अच्छे से। वैसे अपन ने सारा पार्ट पढ़ा हुआ है, थ्योरी वाला पार्ट। तो फिर मैं उस कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं, है ना। देखो भाई, उस कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन नंबर 10 अपन चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ 1s इलेक्ट्रॉन इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय, तो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी फॉर s इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो यहां पर अपन को शाही का वैल्यू लिखना पड़ेगा, है ना। सो विल राइट दैट फॉर 1s ऑर्बिटल। ठीक है, अपन लिखेंगे फॉर 1s ऑर्बिटल, write that psi will be equal to what, that is right now orbital wave function. So orbital wave function will be equal to radial wave function multiplied by angular wave function. तो चलो भाई, वहां पर ऊपर अपन को इक्वेशन गिवन है, क्योंकि मैंने आपसे कहा वो हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है अपन को। तो 1s ऑर्बिटल का एंगुलर पार्ट और रेडियल पार्ट चाहिए मुझे, तो रेडियल पार्ट तो आपने ये दे रखा है मुझे 1s का, That is radial part लिख रहा हूं पहले मैं ये वाला है, क्योंकि मैंने आपको ये बता रखा है कि भाई किसी के लिए भी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये 2 into हो गया अपने पास z by a naught, z by a naught to the power of 3 by 2 into e to the power of minus sigma by 2, ये अपन को गिवन है ना। e to the power of, e तो एक्सपोनेंशियल होता है, तो e to the power of sigma minus e to the power of sigma by 2 minus sigma by 2। ठीक है भाई,
मल्टीप्लाई किससे करना है इसको, तो अपन कहेंगे इसको मल्टीप्लाई करना होगा आपको एंगुलर पार्ट इसका 1/4π टू द पावर ऑफ 1/2 है, ठीक है भाई, इसका ये पावर ऑफ 1/2 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट लिख लिया मैंने 1s के लिए। अब आप एक बार देखो इसमें, एक बार और ऑब्जर्व करो आप, अपन ने एक बात लिखा हुआ है कि जो एस ऑर्बिटल है ना उसके लिए एल का वैल्यू जीरो होता है, पी जो होता है ना उसके एल का वैल्यू 1 होता है, टी जो होता है उसके लिए एल का वैल्यू 2 होता है। हम सबको एक बात हमेशा ध्यान रहेगा कि एल का कंपोनेंट मतलब थीटा एंड फाई, इसमें कॉस थीटा और साइन फाई जो अपने एक्स वाई जेड लिखे ना अभी कंपोनेंट लिखे थे, इसमें तो आएगा लेकिन इसमें थीटा और फाई का वैल्यू हमेशा जीरो रहेगा, वो तो आपने पहले ही बता दिया था। अब जितने इक्वेशन लिखे हैं ना उन सारे इक्वेशन में तुम देखो 1s 2s 3s किसी में भी थीटा पार्ट नहीं आ रहा, कॉस थीटा या साइन थीटा, देखो यहां भी कहीं भी कॉस थीटा या साइन थीटा नहीं आया, लेकिन अगर p और d है तो उसमें थीटा जरूर होगा एंगुलर पार्ट में, आप देखो उसमें एंगुलर पार्ट में जरूर थीटा प्रेजेंट होगा, जैसे आप देखो ना उसमें लिखोगे ना पी एक्स जस्ट 1/4π टू द पावर ऑफ 1/2 के नीचे लिखा हो ना, तो पी एक्स में साइन थीटा कॉस थीटा लिखा बिकॉज वो एक्स एक्सिस था ना, वो तो बताया अभी आपने एक्स कंपोनेंट, ठीक है ना, बिल्कुल वैसे ही पी वाई पी जेड इस टाइप से अपन ने लिखा हुआ, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है अभी, तो अपन लिखेंगे ये अपन ने गिवन है। अब क्या चाहिए था उसको, इसमें सिग्मा अपन को पता है, ए नॉट अपन को पता है, ए नॉट जो होता है वो बोर रेडियस होता है 0.529, उसमें इक्वेशन भी अपन को गिवन है ए नॉट और सिग्मा भी गिवन है, तो यहाँ पर अपन को पता है सिग्मा क्या है, वो नीचे लिखा हुआ है, उसको अभी मुझे लिखने की जरूरत नहीं। अब अपन कहेंगे ठीक है इसमें मुझे करना क्या है वो देख लेते हैं अपन, तो इसमें आपने मुझसे पूछा था ये इक्वेशन है हमारे लिए, तो आपने इक्वेशन तो बना लिया, लेकिन ये आपने क्या बनाया है ऑर्बिटल वेव फंक्शन लिखा है, और उसने अपन से क्या पूछा, क्या पूछा भाई उसने अपन से पूछा है, ऑर्बिटल वेव फंक्शन नहीं पूछा उसने, उसने पूछा है इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब इसका स्क्वायर, दैट इज इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो ठीक है भाई इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, तो अपन कहेंगे भाई इसका स्क्वायर करूंगा तो ये शाही स्क्वायर हो जाएगा अपने पास, तो ये तो हो जाएगा 4, और इसका स्क्वायर इधर 2 का स्क्वायर कर लेता हूं, इसका स्क्वायर करूंगा तो z बाय a नॉट हो जाएगा अपने पास 3/2 × 2 हो जाएगा स्क्वायर करूंगा तो, और e टू द पावर ऑफ माइनस सिग्मा बाय 2 इसका भी स्क्वायर करूंगा, और मल्टीपल में 1/4π और इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा 1/2 × 2 कर लेंगे स्क्वायर करेंगे तो, ये पूछा है। चलो भाई देख लेते हैं कहां पर क्या गिवन है अपन को, एक तो अपन को गिवन है ये तो अपन को साफ साफ दिख रहा है भाई क्या है, तो यहाँ पर अपन कहेंगे ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया मतलब अपने पास, और ये आ जाएगा अपने पास 4, अगर देखा जाए तो ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ जाएगा 4, तो 4 तो कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास 1/π बचेगा, इन दोनों को मिला के मेरे पास 1/π, क्योंकि ये वाला 4 और ये वाला 4 मैं कैंसिल कर दूंगा तो 1/π बचेगा, अब मेरे पास 1/π बचा हुआ है, z का पावर z बाय a नॉट टू द पावर ऑफ 3 बचा हुआ है, और e टू द पावर ऑफ माइनस सिग्मा डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर बचा हुआ है, ये बचा हुआ। इस ऑप्शन को अपन मैच करके एक बार देख लेते हैं, अपने पास क्या गिवन है 1/π किसी में गिवन है, हाँ b और c में दोनों में गिवन है, और c तो हो नहीं सकता क्यों, क्योंकि उसमें 3/2 लिखा हुआ है, जबकि स्क्वायर करने से वो क्या बचेगा सिर्फ c, सिर्फ 3 बचेगा, तो अपना आंसर क्या होना चाहिए b वाला होना चाहिए, लेकिन b वाले में यहाँ तो सिग्मा बाय 2 की जगह कुछ और ही लिखा हुआ है, हाँ तो आप सिग्मा को सब्स्टिट्यूट करके भी बता सकते हो ना, नीचे पर गिवन तो था सिग्मा क्या होता है ना, सिग्मा की जगह आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, दैट इज 2ZR, z का वैल्यू 1 है बिकॉज इट विल बी हाइड्रोजन एटम, z का वैल्यू 1 होगा, R N फर्स्ट शेल हो जाएगा क्योंकि आपने 1s ले रखा है, तो विल गेट दैट, आप सिग्मा को लिखोगे 1 तो मैं क्या कर दूंगा, सिग्मा तो अपन को पता है क्या होता है, दैट इज 2ZR डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा N A नॉट, तो सिग्मा को अपन क्या करेंगे 2 × 1 हो गया, z का वैल्यू 1 है और n का वैल्यू 1 है, आपने लिखा ना इधर 1s ऑर्बिटल,
तो अपन क्या करेंगे, z और z 1 हो जाएगा into r लिखा, और फर्स्ट शेल है तो n का वैल्यू 1 हो गया और a नॉट, तो अपने पास क्या आ गया 2r by a नॉट इज योर सिग्मा। वहां सब फिट कर लेता, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये सिग्मा बाय 2 है ना, तो ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा अपने पास माइनस आर बाय ए नॉट। वहां सब फिट करते हैं और बता देते हैं तो कितना आ रहा अपने पास, वो आंसर आ जाएगा अपना, लो भाई वो आंसर आ जाएगा। उसने z को भी कैंसिल नहीं किया, उसने हाइड्रोजन अज्यूम नहीं किया, अब z ले लो, ले लो z को ही, कम नहीं करते। That is the value. ठीक है, तो अपन ने कैलकुलेट किया। अब क्वेश्चन नंबर 11 में, तो ये ना बड़ा इजी था, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, पर तो बस ये वर्ड्स जो है ना, ऑर्बिटल वेव फंक्शन पूछा है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पूछा है, वो पता करके रखना होता है। फिर अपन को क्या है, द एंगुलर वेव फंक्शन ऑफ विच ऑर्बिटल विल बी डिस्टर्ब बाय द वेरिएशन विथ विल नॉट बी डिस्टर्ब बाय द वेरिएशन विद द एजिमिथल एंगल। ठीक है ना, तो इसमें इन वैल्यूज को जीरो ले लो तो डिस्टर्ब नहीं होगा, और ये वैल्यू जीरो किसके लिए होते हैं, एस के लिए। तो इसमें कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोनों ही ऐसे ऑर्बिटल्स है, क्योंकि उसमें एंगुलर पार्ट क्या होता है, जीरो होता है, तो ए ऑप्शन आ गया। वैसे श्रोडिंगर इक्वेशन में इतना काफी है अभी के लिए, मैं कहूंगा अब आप ज्यादा मतलब श्रोडिंगर इक्वेशन को इंपॉर्टेंस मत दो, क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन में बहुत ज्यादा वैसे नहीं पूछने वाले अपन से, बड़ा इजी होता है सारा कुछ। चलो अब पेज नंबर अपन आगे किस पे, 58 पे, पेज नंबर 58 पे, मतलब 163 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या बताना है अपन को 163 के क्वेश्चन नंबर 2 में, ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ है, आप एक बार पढ़ के देखो उसको, आप एक बार उसको पढ़ो, यू विल गेट योर आंसर। आप अगर एक बार पढ़ोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, और आंसर अपना क्या है, वहां पर अपन को गिवन है दैट इज फॉर 2s, सो शाई फॉर 2s विल बी इक्वल टू 1/4 2 पाई टू द पावर ऑफ 1/2 दैट इज रूट ऑफ दैट, सो दैट इज इक्वल टू 2 माइनस r बाय a नॉट, ये अपन को गिवन है, इनटू e टू द पावर ऑफ माइनस r डिवाइडेड बाय 2 a नॉट, ये गिवन है ना अपन को, बिल्कुल। अब क्या बोला है उसमें, एक बार क्वेश्चन पढ़ो, द वेव फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द 2s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन टू अस, ठीक है, z का वैल्यू 1 हो जाएगा अगर जरूरत पड़ेगी तो, वेयर a नॉट इज अ बोर रेडियस, दिस वेव फंक्शन हैज अ रेडियल नोड एट r इक्वल टू r नॉट, दैट इज अबाउट द नोड, सो व्हेन इट टॉक्स अबाउट अ रेडियल नोड वी विल से दैट एट दैट मोमेंट ये वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर नोड्स की बात करेंगे तो 0, और अगर ये 0 होगा तो व्हाट विल राइट, 2 पाई टू द पावर ऑफ 1/2 into 2 minus r by a naught e to the power of minus r by 2 a naught, ये आ गया आपके पास। अगर ये 0 है इसको मल्टीप्लाई कर दो, इट विल बिकम 0, मतलब ये वाला पार्ट अपने पास आ गया, जैसे पॉलिनोमियल्स में लिखते हैं अपन, तो अपन क्या करेंगे, ये अपने पास आ गया 0 विल बी इक्वल टू 2 minus r by a naught, बस यही बचा अपने पास, तो इसका मतलब r by a naught विल बी इक्वल टू 2, therefore r will be equal to 2a naught। लो भाई अपना आंसर आ गया कि आपका रेडियल नोड कहां बनेगा, 2a naught पे रेडियल नोड बनेगा। तो बनना ही चाहिए 2a naught पे रेडियल नोड, got it ना, मतलब इज टॉकिंग अबाउट लाइक दिस ना, जो अपन ग्राफ बना रहे थे ना, तो भाई a naught तो अपन ऐसे बनाया, तो ये a naught है, फिर अपन ऐसे बनाते हैं वेव फंक्शन में, तो इधर क्या होता है, फिर यहां शेल होता है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, दिस इज अ नोड ना, जैसे अपन ने ग्राफ बनाया। अब कोई क्वेश्चन और है, चेक करेंगे अब ना, क्वेश्चन नंबर इसमें गिवन है अपन को 18-19, ठीक है, 17 वाले में तो ग्राफ गिवन है अपन को, उसमें पूछा अपन से दैट इज द ग्राफ डीआर ना, दैट इज 17 वाले, पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एस ऑर्बिटल, तो वन एस ऑर्बिटल के लिए वी नो दैट हाउ द ग्राफ इज, ऐसे ग्राफ इज लाइक दिस, तो
इनमें 17th वाले में डी विल बी द आंसर फॉर द ग्राफ, ग्राफ भी बनाया हुआ है अपने। अब 18 to 19, 18, 19 and 20 दैट इज मैच द फॉलोइंग, ठीक है ना। अब मैच द फॉलोइंग में बहुत सारा पार्ट गिवन है अपन को, 1SB गिवन है, 2SB गिवन है, 2PB गिवन है और 3DB गिवन है अपन को। तो चलो इसको अपन सॉल्व करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को, है ना। तो आप इसको इतना तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। आप मतलब इसमें फिर इसके बाद, क्योंकि मैच द फॉलोइंग के बाद इतना ज्यादा हो जाएगा कि उसके बाद अपन को श्रोडिंगर इक्वेशन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अपन मैच द फॉलोइंग की बात करते हैं, ठीक है ना। मैच द फॉलोइंग गिवन है अपन को, वो मैच द फॉलोइंग मैं आपको बता देता हूँ भाई श्रोडिंगर इक्वेशन के लिए। तो एक कॉलम वन गिवन है अपन को, ठीक है, अपन लेते हैं कॉलम वन। तो कॉलम टू देख लेते हैं अपन क्या गिवन है अपन को, और एक कॉलम थ्री के बने। ये कॉलम आई थिंक सभी के पास ये मैच द फॉलोइंग होगा, ठीक है। सभी के पास मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। कोई है जिसके पास मैच द फॉलोइंग नहीं है ये वाला? सभी के पास, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे ना, जैसे देखो ये वन एस ऑर्बिटल, अपन को 2s ऑर्बिटल भी गिवन है, अपन को 2p ऑर्बिटल भी गिवन है, 2py, और अपन को दैट इज क्या गिवन है अपन को, 3d ऑर्बिटल भी गिवन है, 3dz², ठीक है। अब देखो एक बात है, अगर मुझे इसके लिए कॉलम 2 को मतलब वो करना है अपन को कि भाई कॉलम 2 में क्या करना है अपन को, तो ठीक है अपन एक बात कहेंगे, जैसे इसको कॉलम वन का फर्स्ट वाला पॉइंट गिवन है, तो मैं लिख ही लेता हूँ। मैं सोच रहा था कि मतलब पहले अपन ना इसको ना 3 और 4 ले, अगर किसी के पास नहीं होगा तो वो उसके पास भी होगा। ये मुझे गिवन है शाई, दैट इज NLM, दैट इज इक्वल टू, दैट इज प्रोपोर्शनल टू है NLM, that is proportional to what? Z by E naught to the power of 3/2 into e to the power of minus Z R by E naught. E अपन को given है। और second में given है अपन को 1 radian. और जो दो कॉलम वाले मैच दो कॉलम होते हैं ना, वो मुझे ज्यादा टफ लगते हैं rather than three कॉलम वाले। थ्री कॉलम वाले तो और भी ज्यादा easy होते हैं, ठीक है ना। मतलब मेरे हिसाब से मुझे मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, अभी अपन देख लेंगे। इसमें फिर NLM गिवन है अपन को, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू Z बाय A नॉट टू द पावर ऑफ 5/2, ठीक है। और फिर अपन लिखेंगे दैट विल बी R E टू द पावर ऑफ Z R बाय 2A, और ये गिवन है अपन को cos थीटा, ठीक है भाई। अब एक्स वाई इज अ नोडल प्लेन, तो अपन कहेंगे 3 वाला, सो एक्स वाई प्लेन इज नोडल प्लेन, नोडल प्लेन। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन लिखते हैं यहां पर थर्ड वाला। इधर पी में अपन को ग्राफ की बने, एंड द ग्राफ इज लाइक दिस, ठीक है। सो ये शाई वर्सेस आर का ग्राफ है, ठीक है। क्यू में अपन को गिवन है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट नेम प्लेस, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट नेम प्लेस एट न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1a0 का क्यू, और अपन लिखेंगे इसमें दैट इज आर इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट न्यूक्लियस, सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी density is maximum at nucleus, at nucleus, ठीक है। और मुझे S given है energy needed to excite electron
from n equal to 2 to 4 is 27 by 32 times the energy for n equal to, that is n equal to 226. ठीक है, ये बन गया आपके पास. अब पहले ना अपन क्या करेंगे, एक बात देखो. अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, पहले काफी सारा पार्ट को मैं क्या करूंगा, मैं पहले ऐसे कर लेता हूं. तो इसमें 2pz भी है. अच्छा 2pz, ठीक है, मेरे पास भी 2pz ही है, ठीक है ना. अब अपन क्या करेंगे, इससे अपना काफी सारा पार्ट सॉल्व कर गया. अपन पहले ये देख लेते हैं कि एक रेडियल नोड किस में होता है. रेडियल नोड क्या होता है, n माइनस l माइनस 1. तो इसके पास अपन क्या लिख देंगे, n माइनस l माइनस 1. ऐसे अब रेडियल नोड इसमें तो होगा ना, इसमें क्या हो जाएगा, n माइनस l माइनस 1, मतलब 2 माइनस 1 0 माइनस 1, मतलब इसमें एक रेडियल नोड हो सकता है. 2p में एक भी रेडियल नोड नहीं होगा. मतलब इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन बनेगा. अब अपन को एक बात और पता है कि ये जो है ना, इसमें मुझे कहीं भी साइन थीटा या कॉस थीटा नहीं दिख रहा. मतलब ये जो ऑर्बिटल वेव फंक्शन है, ये एस ऑर्बिटल के लिए, इसमें कॉस थीटा है. अगर इसमें कॉस थीटा है तो ये जेड कंपोनेंट के लिए, तो इसको मैं 2pz भी लिख सकता हूं, 3z भी लिख सकता हूं. 2pz भी लिख सकता हूं, 3z भी लिख सकता हूं. वाइट एसो कॉस थीटा भी आपने लिखा था ना, z इज इक्वल टू r cos थीटा, और इसमें अपन को वो कंपोनेंट दिख रहा है. और मैं पढ़ना तो अपन को ये पता चल गया कि pz और dz स्क्वायर में, इन दोनों में ये पार्ट आ सकता है. मतलब ये इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है. वो अपन चेक कर लेंगे किस में आएगा. लेकिन मुझे ये पता है कि ये जो है वो s ऑर्बिटल के लिए, ठीक है ना. अब अपन चेक करते हैं इसमें p जो होगा ना, इसमें एक नोड है. अगर एक रेडियल नोड है तो वो 2s होगा. मतलब मुझे 2 और p का कॉम्बिनेशन बन रहा है मेरा. तो एक कॉम्बिनेशन मेरे पास बन गया 2 और p का कॉम्बिनेशन बना मेरे पास. ये करेक्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है. अब मैं बना सकता हूं, जैसे अपन ने कहा कि भाई मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एट न्यूक्लियस, तो मेरे पास एक ये भी बन सकता है. क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एट न्यूक्लियस किस में हो सकता है, s ऑर्बिटल में. तो अपन कहेंगे ये s ऑर्बिटल में ही हो सकता है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एट न्यूक्लियस. तो अपन s ऑर्बिटल में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एट न्यूक्लियस विल बी ए फॉर द s ऑर्बिटल. मतलब r जो है वो या तो 1 में आ सकता है या फिर 2 में आ सकता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एट न्यूक्लियस. अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, अब इसमें गिवन है अपन तो एनर्जी डिफरेंस टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n टू 2 इज दिस मच टाइम द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन इन दिस, ठीक है भाई. तो अपन क्या करेंगे इस केस में, दैट इज, अच्छा अब एक और बात लिख सकते हैं. ये वाला नोडल प्लेन जो है xy प्लेन इज अ नोडल प्लेन. तो इसमें क्या करेंगे, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं देना है इसमें, अपन क्या करेंगे, सॉल्व कैसे करूंगा मैं बताऊंगा. मैं तो एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं कि आपको क्या क्या पता है और आप क्या गड़बड़ नहीं करेंगे. ये वाला पार्ट सिर्फ इसमें हो सकता है, इसमें भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो नोडल कोन्स होते हैं dz स्क्वायर. क्या लिखा हुआ है अपन ने, नोडल प्लेन. तो ये pz जो होगा ये नोडल प्लेन हो जाएगा. और इसमें अपन बता सकते हैं कि भाई अगर अपन बताएंगे तो सेकेंड शेल की बात कर रहे हैं, सेकेंड से फोर में जो एनर्जी नीडेड होगा एग्जाइट करने के लिए, तो इट विल बी कितना, इट विल बी n2 से n6 तक ये एनर्जी डिफरेंस होगा. तो अपन कैलकुलेट कर लेंगे भाई ये एनर्जी डिफरेंस कब आएगा. तो इसको देखते हैं, अपन को पता तो चल ही रहा है कि क्या
होना चाहिए अपन को भाई 32। तो 32 क्या होगा, 16 और 2 ना, 32 और 27 किसका डिफरेंस होगा, क्योंकि स्क्वायर में होता है 1 अपॉन n स्क्वायर वगैरह होता है ना, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये ना थोड़ा सा पार्ट आपको, मतलब ये धीरे 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 आपको जब आप मतलब ये जो उन्होंने डाल दिया कि भाई जेई में ये क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन ये पार्ट धीरे 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 जब आप आगे पढ़ते रहते हो तो आपको इजीली आते रहते हैं, क्योंकि उसमें और भी कंसेप्ट हमको आगे मिलते रहते हैं। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पर एन स्क्वायर माइनस इधर लिख रहे हो ना, तो एन टू स्क्वायर माइनस एन वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन वन स्क्वायर एन टू स्क्वायर। तो अपन को क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट 32 आना चाहिए और डिफरेंस 27 आना चाहिए। अच्छा, डिफरेंस 27 आना चाहिए और वो ऐसा आना चाहिए। तो अपन एक दिमाग लगाएंगे, बट पहले अपन ये चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें पूरा सॉल्व करना है या नहीं करना है। तो अपन पहले क्वेश्चन को देखते हैं, ये अपन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। अपन से पूछा गया क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ऑप्शन। अगर उन्होंने क्वेश्चन इस टाइप से लिख के पूछा है ना अपन से, तो इतना तो दिमाग लगाऊंगा ही नहीं मैं जितना आप यहां पर लगा रहे हो दिमाग, उससे पहले क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे जो आपने बताया उसके बेस पे। वो कैसे, चलो देखते हैं। ऑप्शन ए, मैं तो ऑप्शन से ही चेक करके बता दूंगा। ऑप्शन ए 11s, ये 1 है, ये 1 है, हो सकता है क्योंकि इसमें थीटा नहीं है, 11 और s, ये s हो गया। तो इसमें मैं इसको गलत नहीं बोल सकता, क्यों, क्योंकि मैंने इसका कैलकुलेशन नहीं किया और मैं इतना कैलकुलेशन में जाना भी नहीं चाहता। मैं दूसरे ऑप्शन को चेक करूंगा, 22q तो पॉसिबल नहीं है, मैं थर्ड की बात करूंगा, 13r, 13 ये तो गलत होगा। व्हाई इट इज सो, क्योंकि s में ना थीटा पॉसिबल ही नहीं है, उसमें एंगुलर पार्ट तो जीरो होता है, ये तो 100% गलत है, क्योंकि S में थीटा पार्ट गलत होता है, ये अपन को पता है, एंगुलर पार्ट पॉसिबल ही नहीं है S में, सो सी वाला तो गलत है। 11R, मैं 1 लिखूंगा, 1 लिखूंगा करेक्ट है, और R ये भी करेक्ट है, हमें क्या मिलेगा, सी वाला पार्ट बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि 1 और 2 के साथ तो थीटा वाला पार्ट आ ही नहीं सकता। अब पता है आपको क्या पता चल गया, मैंने इसलिए कहा था कि ये सॉल्व करना ज्यादा इजी होता है, आपको ये पता चल गया कि अगर सी गलत है तो बाकी तीनों कॉम्बिनेशन सही है। इसका मतलब है मुझे ये पता चल गया कि 11s is correct, मुझे यह पता चल गया कि 22q is correct, probability density is nucleus, समझ में आया। अब आगे मतलब अब देखो जैसे अपन लिख रहे थे ना ऐसे combinations, वो combination खुद ही अपन को क्वेश्चन में बता रहे कि they are correct। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, इसमें सी अपना आंसर आ गया था पहले। फॉर अ गिवन ऑर्बिटल कॉलम 1, द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर एनी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, ठीक है भाई, अगर को 3 करेक्ट तो ऊपर वाले पार्ट में गिवन है, तो अपन क्या करेंगे, 22p, ये तो बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि आपने बताया, ये तो आपने पहले कैलकुलेट करके बता दिया था, 22p इज करेक्ट, 2 और p दैट इज करेक्ट। तो इसमें लिखा हुआ था द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन, मतलब बाकी सब गलत, बाकी जो ऊपर वाले होंगे ना उनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बना रहे होंगे वो, देखो मतलब उनको सारे गलत कॉम्बिनेशन पता चल गए। और 22p तो आपने बना के दिखा दिया था हमें, ये वाला करेक्ट, तो मुझे सेकंड क्वेश्चन पढ़ के ये पता चल गया कि कौन से क्वेश्चन कौन से कॉम्बिनेशन मुझे नहीं बनाने, 3 कॉम्बिनेशन, क्यों, क्योंकि अपन को पता था जैसे 11s 12s का उन्होंने, तो 1 2 1 में रेडियल नोड होते ही नहीं, तो इसका कॉम्बिनेशन तो बन ही नहीं सकता, तो बी वाला तो पॉसिबल ही नहीं,
सी वाले की बात करते हैं, फोर फोर आर, फोर ये वाला फोर है, फोर फोर और आर लिखा आपने, सो फोर फोर और आर, ये तो गलत है। तो इसमें न्यूक्लियस में डी जेड स्क्वायर में मैक्सिमम न्यूक्लियस में प्रोबेबिलिटी थोड़ी होती है, तो बिल्कुल ही गलत है। तो एस में होता है न्यूक्लियस में, अपन कहते हैं कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, क्योंकि वही फुटबॉल शेप होता है, उसी में आपने बताया था सेंटर में है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। फिर उसके बाद डी वाला वन वन और एस, तो अपन कहेंगे भाई नहीं ये तो डी वाला दूसरा हो गया। थ्री थ्री पी कहाँ था, ये थ्री था, ये थ्री था, हाँ तो ये दोनों तो हो सकते हैं। और पी पी तो गलत है, ये तो एस के लिए होता है, ये ऊपर से शुरू होती है प्रोबेबिलिटी, भाई पी के लिए तो हमेशा आपने यहां से शुरू किया प्रोबेबिलिटी, तो वो गलत है। मतलब सारे ऑप्शन में एक ना एक पार्ट को आपने गलत बना ही बनाया है, हमें बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन इन द फॉलोइंग इज, ठीक है मुझे इतना सारा गलत पता है, इतना सारा करेक्ट पता है, तो कॉम्बिनेशन बता दूंगा। सो ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर हाइड्रोजन एटम, वन वन पी, वन वन पी, वन वन और पी, ये गलत है, ये तो 2s के लिए होगा, s के लिए होता तो बस इतना ही बनाते हैं। 1 4 r, 1 1s है, इसमें नोडल प्लेन हो ही नहीं सकता, तो इसमें कहां से हो जाएगा एक्स वाई प्लेन, वो तो स्फेरिकल शेप होता है। थर्ड वाला 2 1 2 1 और q, q कहां पर गिवन है अपन को, ये पॉसिबल है। अब लास्ट वाला देखते हैं, 1 1 और अपन ने s लिखा, तो 1 1s, ये तो बिल्कुल करेक्ट था, ये तो आपने मुझे ए में ही बताया दिया था, तो इसमें क्यों बताना है? तो फिर बी और डी में कैसे डिसाइड करूं, सी और डी में कैसे डिसाइड करूं, दैट इज यू हैव रिटन दैट 2 1 और आपने क्या कहा था क्यू, 2 1 एंड क्यू, तो ये प्रोबेबिलिटी, तो इसमें क्यू के लिए अपन कहेंगे कि ये जरूरी नहीं, क्योंकि ये तो 1s भी हो सकता है और 2s भी हो सकता है, अपन कहेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन आपने डी वाला तो बिल्कुल 100% बताया, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन तो वही लिखा हुआ है करेक्ट के लिए, तो अपन तो पहले चेक कर लेते जब 20 पढ़ रहे थे कि इनमें से कोई कॉम्बिनेशन ऊपर वाला तो नहीं है 18 वाला, वरना वो तो करेक्ट थे ही ना तीन। लो भाई मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया विदाउट सॉल्विंग, विदाउट सॉल्विंग एनीथिंग क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए किसके लिए क्या होगा, किसमें थीटा आ सकता है, किसमें थीटा नहीं आ सकता है, रेडियल नोड किसके होंगे, नोडल प्लेन क्या होंगे, वो सारे पार्ट अपन ने पढ़ रहे। दैट इज हाउ वी हैव टू डिस्कस द, ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन के क्वेश्चन। अब मैं आगे मतलब श्रोडिंगर इक्वेशन में जो क्वेश्चन अब जो बचे होंगे ना, वो आप अपने आप सॉल्व करना, क्योंकि अब इससे आगे जरूरत नहीं है अपन को, बहुत सारा पार्ट तो मैंने डिस्कस करके बता दिया ना हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। और ये सारे पार्ट क्या होते हैं ना कि श्रोडिंगर इक्वेशन वाला पार्ट जो है वो सिर्फ एडवांस वाले पार्ट में ही आता है, और एडवांस वाले पार्ट में क्या होता है कि उसमें भी ना इसमें थोड़ा सा मैथ्स वगैरह थोड़ा ज्यादा यूज होता है, इसलिए मैं उसको ज्यादा डिस्कस नहीं करता। तो बाद में अपन इसमें ना क्या करते हैं कि इस टाइप के ना, जैसे अपन मैथ्स का कॉलम किया ये वाला, तो इस टाइप के 15-20 क्वेश्चंस कर लेते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस, 15-20 क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें सारे आ जाते हैं, फिर उससे कोई पार्ट नहीं छूटता। इस टाइप का डिस्कशन जो है ना 15-20 क्वेश्चंस के आसपास हम लास्ट में करते हैं, क्वेश्चन में क्लास में डिस्कस करता हूं तो अपना, ठीक है ना। तो ये आपका श्रोडिंगर इक्वेशन था। अब कुछ और पूछना है आपको तो आप बता दो भाई, क्या पूछना है कुछ में एटॉमिक स्ट्रक्चर में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर कुछ और पूछना है तो आप बता सकते हैं, कोई भी डाउट्स वगैरह पूछना है, कुछ भी पूछना है एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो आप मुझे बता दो, क्योंकि आपका संडे को टेस्ट है। कुछ भी नहीं पूछना सर, एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 का 9th सम, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 का 9th सम, ठीक है, एक्सरसाइज 3 में पार्ट 2 का 9th सम,
जिसमें टेम्परेचर गिवन ना वही वाला होगा, ठीक है। ठीक है, मैं जेई मेंस चेक कर लेता हूँ। तो अपन को गिवन है दैट इज नाइन्थ वाला सम ना, नाइन्थ वाले सम में आपको गिवन है एट टेम्परेचर टी द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 3/2 के टी गिवन होता है अपन को, ठीक है भाई। तो अपन कहेंगे लिख लेते हैं अपन उसे, ये लो लिख लिया। तो इसमें अपन को गिवन है दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 के टी, ठीक है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इन द ऑर्डर ऑफ, अपन कहेंगे हमें क्या फर्क पड़ता है, काइनेटिक एनर्जी कुछ भी दो, हमें तो डी ब्रोगली वेवलेंथ बताना है और डी ब्रोगली वेवलेंथ इज दिस। मैं इसको स्क्वायर करूं, हाफ एम बी स्क्वायर करूं, फर्क क्या पड़ता है काइनेटिक एनर्जी को, मुझे ये पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। आप इसको स्क्वायर भी करोगे तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, आप कहोगे ऐसे कर दो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, लो कर दी। आप कहोगे नहीं अब मैं इसको ना 1/2 से मतलब डिवाइड करूंगा, ठीक है, इसको भी 1/2 से डिवाइड करोगे तो मैं इसको 2 लिख लूंगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ठीक है इसको काइनेटिक एनर्जी में लिख लेते हैं, एम को वहां ले जाके, तो भी लैम्डा तो काइनेटिक एनर्जी से इनवर्सली प्रोपोर्शनली आएगा, तो अपन कहेंगे कोई फायदा नहीं है आपको स्क्वायर करने से। तो अपन क्या करेंगे, हमें तो ये पता है जिसका मास ज्यादा उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ कम, क्या पूछा डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो कोई ऑर्डर बताना है, हाँ ठीक है। तो सबसे ज्यादा डी ब्रोगली वेवलेंथ किसका होगा, जिसका मास सबसे कम होगा, किसका मास सबसे कम होता है, क्या क्या गिवन है अपन को, फोटोन गिवन है, न्यूट्रॉन गिवन है और इलेक्ट्रॉन गिवन है, सबसे कम मास फोटोन का होगा तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ ज्यादा होगी, फिर इलेक्ट्रॉन की और फिर न्यूट्रॉन की, हो गया क्वेश्चन। अब बताओ 4 विल बी द आंसर। अब बताओ कोई डाउट है तो, और किसी को कोई और डाउट है तो बता सकता है। बाकी सारे डाउट्स हो गए, तो अपन बाकी सारे डाउट्स कर चुके हैं, ठीक है। तो फिर आगे पढ़े, मैंने ये सारे आपसे अपने पार्ट वन पार्ट टू एक्सरसाइज थ्री का डिस्कस कर लिया ना, एक्सरसाइज थ्री के पार्ट टू का ये मेंस वाला ना, मेंस प्रॉब्लम वाला पार्ट टू डिस्कस कर लिया ना पूरा, पार्ट वन पार्ट टू, एक्सरसाइज थ्री में पार्ट टू तो बेटा करना ही चाहिए था आपको, पार्ट टू तो कंप्लीट करना ही चाहिए एक्सरसाइज थ्री का, ये तो आपका होमवर्क है फिर तो, अगर आपने पार्ट टू नहीं किया है तो अभी आप लोग पार्ट टू कंप्लीट करोगे, ठीक है, पार्ट टू में आप कंप्लीट करोगे पार्ट टू पूरा, एक्सरसाइज थ्री का पार्ट टू और एक्सरसाइज टू, क्योंकि जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है हमें सारा कुछ कंप्लीट कर देना चाहिए उस चैप्टर का। भाई मैंने लास्ट टाइम आपको होमवर्क नहीं दिया, उसका रीजन यही तो था कि आप एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट करके आज मुझसे पूछोगे, भाई आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, यू मस्ट बी अ रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट है ना, वो तो अपन को करना ही चाहिए, वरना तो अपन गड़बड़ हो जाएगा अपने साथ में, ठीक है। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, तो इसमें क्वेश्चंस वगैरह कुछ सॉल्व करेंगे आप, क्योंकि अपने पास एक्सरसाइज थ्री का पार्ट वन सॉल्व किया, इसे कर यार संडे को तुम्हारा टेस्ट है, सब गड़बड़ ना कर दो,
सॉल्व करना चाहिए, क्वेश्चंस पूछने चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, कुछ कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता हूँ। अपना एक्सरसाइज थ्री का जो क्वेश्चन नंबर फोर है ना, मैच द फॉलोइंग, एक्सरसाइज थ्री पार्ट वन, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो अभी। कैसे करोगे सॉल्व? है ना, एक्सरसाइज थ्री का पार्ट वन का क्वेश्चन नंबर फोर, उसमें गिवन है अपन को कॉलम वन कॉलम टू, तो इसमें आप सॉल्व करो सब लोग। मैं सॉल्व करूंगा तो मैं सीखूंगा, तुम थोड़ी सीखो, तो अभी सॉल्व कर। कॉलम वन गिवन है बंदो और कॉलम टू गिवन है, ए गिवन है बंदो, बी एन अपन के है, बी गिवन है बंदो, इफ रेडियस ऑफ टेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर ऑफ एन टू द पावर ऑफ एक्स, तो यहां पर अपन को एक्स बताना है क्या होगा। ठीक है, कॉलम टू इधर लिखो, सी मुझे गिवन है एंगुलर मोमेंटम इन लोएस्ट ऑर्बिट, मोमेंटम इन लोएस्ट ऑर्बिट ऑर्बिट है ना, और फिर यहां पर अपन को डी गिवन है, डी आर एंथ ऑर्बिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड अपॉन जेड टू द पावर ऑफ वाई, एंड वाई विल बी इक्वल टू व्हाट, कॉलम टू में अपन को गिवन है पी क्यू आर एंड एस, ये जीरो गिवन है, माइनस वन ये माइनस टू और ये वन गिवन है। ठीक है भाई, तो इसमें ना वी एन इज व्हाट पोटेंशियल एनर्जी और के एन इज व्हाट काइनेटिक एनर्जी, ई एन इज व्हाट टोटल एनर्जी, एंड जेड एटॉमिक नंबर होता है, आर इज द रेडियस, ये अपन को मेंशन है। तो अपन क्या करेंगे, देखो एक एक को सॉल्व करते हैं। जैसे ये है तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ना, तो अपन को पता है E total is equal to होता है 1 by 2 of potential energy, और E total is equal to होता है minus of kinetic energy, इन दोनों को equal कर देते हैं। Potential energy को आपने V E N लिखा हुआ है और kinetic energy को minus K N लिखा हुआ है, ये दोनों equal है, तो अपन ratio बताना है, ratio V N, so V N मतलब this upon this बताना है। तो अपन क्या करेंगे, वी एन अपॉन के एन विल बी इक्वल टू व्हाट, तो अपन रेशियो बता देंगे, इसको ट्वाइस कर देते हैं ऐसे ऐसे, और ये माइनस इस तरफ ले लेते हैं, तो अपने पास क्या आ गया ऐसे, तो अपन ऐसे कर देते हैं, कोई वी एन आ गया अपने पास, ये तो सीधे सीधा आ गया अपने पास, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी हो गया, ये अपन को वी एन बोल रहा है ये, और ये अपन को के एन बोल रहा है, इन दोनों का रेशियो लेना है, तो मेरे पास आंसर आ गया, मतलब ए जो है वो आर से मैच हो गया, तो ए विल बी मैच्ड बाय आर, तो ठीक है एक आंसर आ गया अपने पास भाई, ए जो है वो आर से मैच कर गया। अब अपन लिखेंगे इफ रेडियस ऑफ एंथ ऑर्बिट इज गिवन टू मी ई टू द पावर ऑफ दिस, तो एक्स विल बी इक्वल टू वन। ठीक है भाई, अब अपन कहेंगे देखो इसमें एक से ज्यादा मैचिंग तो नहीं हो सकता क्योंकि सारे के सारे नंबर अलग अलग, सी वाले में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बन तो
लोएस्ट ऑर्बिट मतलब एस ऑर्बिटल की बात करेंगे, और एस ऑर्बिटल के लिए क्योंकि सी वाले में तो ये तो ए वाला था जो अपने डिस्कस किया, सी वाले में तो एस ऑर्बिटल की बात कर रहा है, और एंगुलर मोमेंटम ऑफ लोएस्ट ऑर्बिटल, तो एस ऑर्बिटल में एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस वन होता है एच बाय टू पर, और एल का वैल्यू इसके लिए क्या होता है जीरो होता है, मतलब ये तो जीरो हो गया, मतलब सी तो पी से मैच कर गया, सी जो है वो पी से मैच कर गया। ठीक है, अब रेडियस और जेड की बात कर रहे हैं आप, ये तो तुमको पता है भाई, डी वाला भी बड़ा इजी है अपने पास, ये तो डी में क्या है, रेडियस इज इक्वल टू होता है दैट इज 0.529 इनटू एन स्क्वायर बाय जेड होता है, तो अपन कहेंगे भाई रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड फॉर एनी शेप, तो अपन को 1 बाय आर बताना है, तो अपन कहेंगे 1 बाय आर फॉर इनिशियल दैट विल बी इक्वल टू जेड टू द पावर ऑफ माइनस 1, इनवर्स हो जाएगा उससे, तो अपने पास क्या आ गया, डी का वैल्यू माइनस 1 आ गया, तो बचा क्या अपने पास, ये बचा रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिटल, अपन को nth ऑर्बिटल के लिए, तो nth ऑर्बिटल के लिए आप क्या करोगे, उसको एनर्जी से कोरिलेट करना, ठीक है भाई, तो अपन कहेंगे रेडियस इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, और एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, क्योंकि एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है z से, तो अपन ऐसे लिख लेते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला लिखना अपन है, क्योंकि फॉर्मूला लिख के ही बता रहे हैं आप, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 13.6 इंटू z स्क्वायर इंटू 1 बाय n स्क्वायर, ये होता है भाई। तो nth शेल के लिए करना है तो अपन कहेंगे nth शेल के लिए तो n हटालो, तो e n will be directly proportional to z square, directly proportional to z square, ये अपने पास क्या किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं, अपन b के लिए डिस्कस कर रहे हैं। अब अपन क्या करेंगे, e n is directly proportional to z square और 1 upon r, ये अपन लिखेंगे r is direct, अब अपन को 1 upon, ये तो 1 upon r उसकी बात छोड़ देते हैं, अपन इससे चेक कर देते हैं, है ना, आर एन क्या होता है z square से, तो अपन को क्या बताना था यहाँ पर डायरेक्टली, तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर ऑफ n, तो r को लिख लेते हैं अपन 1 बाय z और e को लिख लेते हैं z square, तो दोनों में क्या रिलेशन आया, तो यहाँ पर 1 बाय z है और यहाँ पर r, अपने पास एक ये है, ठीक है, एक ये है, तो अपन को क्या बताना, r प्रोपोर्शनल टू e n बताना है अपन, तो r प्रोपोर्शनल टू e n क्या आएगा, तो अपन कहेंगे r तो 1 बाय z होता है और ये z स्क्वायर, तो अपन क्या करेंगे, ये इनवर्स ऑफ z आ जाएगा, तो इनवर्स ऑफ z आएगा तो एक z कैंसिल कर लेते हैं, अपने पास z का पावर 1 बचेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z आ रहा है, तो इसमें z का पावर 1 बचेगा, तो x का पावर क्या हो जाएगा अपने पास, आपने लिखा तो बचा क्या अपने पास, z बचा हुआ है, अगर z बचा हुआ है तो बता देते हैं भाई, इसको आप लिखोगे 1 by z, z to the power of minus 1, और इसको लिखोगे z to the power of 2, z तो कैंसिल हो गया, एक z बच गया, तो द पावर ऑफ 1, तो अपने वन लिख दिया उसके लिए, तो b के लिए अपने लिए बना, तो b के लिए अपने पास q आ रहा था और इसके लिए अपने पास s आ गया, ये अपने ऑप्शन से, तो इसमें ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूलेज अपने रिवाइज हो जाते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। दूसरे क्वेश्चन में आप क्वेश्चन नंबर 9 कर सकते हैं, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 करो, और रेडियो एक्टिविटी भी नहीं पूछा तुम लोगों ने, कुछ भी नहीं पूछा, तुम लोग होमवर्क करते हो या नहीं करते हो, आपको रेडियो एक्टिविटी वगैरह तो कुछ पूछे नहीं आपने, क्वेश्चन नंबर 9 करो, क्वेश्चन 16 कर सकते हैं, अच्छा अभी कर, हाँ बिल्कुल, मैं तो खुश होऊंगा तुम कोई सिक्स क्वेश्चन करोगे, तो क्वेश्चन नंबर 16 करो और अभी करो, चलो क्वेश्चन नंबर 16 करो सब लोग पहले,
क्वेश्चन नंबर 16 मैं इसको हटा रहा हूं, अपन क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं। इफ यू आस्क योर डाउट्स कुछ बोलोगे तो आई विल बी हैप्पी। चलो भाई कम से कम तुम लोग पढ़ रहे होगे तभी तो डाउट पूछोगे, और डाउट नहीं पूछोगे तो इसका मतलब नहीं पढ़ रहे हो। सो मैं एक बार चेक कर लूं, नॉट मैं बोलूं क्वेश्चन नंबर 16 को, नॉट कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉन स्पिन द डीजेनरेसी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट दैट इज एन इक्वल टू 3 फॉर हाइड्रोजन एटम इज 9। ठीक, व्हाई द डीजेनरेसी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ स्टेट ऑफ एच नेगेटिव इज। ठीक है, मैंने आपको क्लास में एक बार बताया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम, ठीक है ना। तो मैं हाइड्रोजन एटम के लिए लिख लेता हूं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन पूछा है तो मैं हाइड्रोजन लिख लेता है। तो एच के लिए अपन लिखेंगे 1s1 less than 2s is equal to 2p less than 2s is equal to 3s is equal to 3p is equal to 3d less than 4s is equal to 4p is equal to 4p is equal to 4d is equal to 4f less than like this we get. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस इज रिटन एज, ये तो मैंने आपको बताया, रिटन एज रिटन बाय एन प्लस एल, वो एन प्लस रूल फॉलो करना होता है यहां पर बाय शेल रूल, बाय शेल। ठीक है, तो ने लिख दिया भाई, अब एन प्लस एल रूल से बता दो आयंस के लिए। तो अब यह ना एच नेगेटिव आयन था तो फिर मुझे ऐसे ही लिखना होगा, एन वो एन प्लस एल रूल तो ऐसे होता है, इसमें शेल्स की बात करते हैं तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ऐसे शेल्स। इधर अपन क्या लिखेंगे, ये फर्स्ट सब शेल है, ये सेकंड सब शेल है, ये थर्ड सब शेल है, ये फोर्थ सब शेल है, 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ऐसे। तो अब अपन क्या करेंगे, इसमें चेक करते हैं। अब क्वेश्चन में अपन को क्या गिवन है, अब मैं आपको क्वेश्चन करके नॉट कंसीडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्पिन, ठीक है भाई, द डीजेनरेसी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड मतलब ये फर्स्ट और ये सेकंड मतलब इसकी बात कर रहा है, एन इक्वल टू 3 ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 9। हाँ बिल्कुल, डीजेनरेसी, इसमें एक ऑर्बिटल है, इसमें 3 ऑर्बिटल है, इसमें 5 ऑर्बिटल है, और सभी का एनर्जी इक्वल है तो इक्वल टू कितना हो गया 9। डीजेनरेटेड ना, ऑर्बिटल मतलब सेम एनर्जी, एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 9। ठीक है, व्हाई द डीजेनरेसी ऑफ द सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ एच नेगेटिव इज, इसका सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, ये इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये इसका सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, तो अपन कहेंगे इसमें सेकंड एक्साइटेड स्टेट का डीजेनरेसी क्या होगा, ये कितने हैं, इसमें 3 ही ऑर्बिटल है, तो अपन कहेंगे जैसे इसमें 9 ऑर्बिटल थे डीजेनरेसी के लिए, इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, 3 हो गया।
ये अपना आंसर होगा। आयंस के लिए अकॉर्डिंग टू द एन प्लस एल रूल लिखना होता है, एटम के लिए जितना इलेक्ट्रॉन्स है बस उसके बाद हम, जैसे कार्बन के लिए लिख के बताया था ना मैंने, मान लो हाइड्रोजन की जगह मेरे पास कार्बन होता तो अपन ऐसे लिखते 1s 2s 2p 3s 3p 3d, क्योंकि यहां तक तो इलेक्ट्रॉन है ना, वो तो बनाना बताना पड़ेगा अपन को। ऐसे जब इलेक्ट्रॉन नहीं होगा जिस शेल में, उन सब में ऑर्बिटल का एनर्जी क्या बताएंगे अपन, सेम बताएंगे। इसका एनर्जी तो मैंने लिखा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन एटम में, उसके बाद इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता सेकंड शेल में, तो फिर 2s और 2p की एनर्जी सेम। अगर वो फर्स्ट एग्जिटेड स्टेट के लिए बोलता तो अपन कहते हैं डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स कितने होते, 1s और 3p, 4 होता, जैसे यहां पर बनाएंगे लिखा। तो यहां पर फर्स्ट एग्जिटेड स्टेट बोलते तो अपन 1 लिख। तो दैट इज हाउ यू ट्रेक द डी जनरेसी फॉर degenerated orbitals of atom and the ions. अब बताओ उसी का 13th वाला बता देता हूं भाई। 13th वाला भी अपन ने क्लास में डिस्कस किया हुआ है वैसे, ठीक है ना, चलो बताते हैं 13th वाले को। मुझे रिएक्शन गिवन है, पहले मैं रिएक्शन लिख सकता हूँ, है ना, ताकि जो पढ़ूंगा वो मुझे पता चलता जाएगा कि क्या गिवन है। ये 63 है या 29 है, मैंने इसको प्रोटॉन के साथ बॉम्बार्ड किया है और आपने मुझे बता रखा है सारे न्यूक्लियर रिएक्शन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मास और मास नंबर सब फॉलो करता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या हुआ ना, आपने 92 लिखा था ऊपर पे सर। अच्छा 29 वो तो बाद में हो ही जाता है ना, कैलकुलेट करता ना अभी बैलेंस करने के लिए तो समझ में आ जाता कैसे कैसे हो सकता है ना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर ऐसा होता है तो छोड़ दिया करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो देखते हैं अपन, है तो 6 न्यूट्रॉन लिख लेते हैं, लिख लो भाई हमें क्या फर्क पड़ेगा। 4 अल्फा पार्टिकल लिख लेते हैं, लिख लो। 1 अल्फा पार्टिकल लिख लेते हैं, लिख लो। इधर 4 होगा हीलियम पार्टिकल, इधर 2 होगा, वो अल्फा पार्टिकल होगा। 2 प्रोटॉन लिख लिया आपने, लिखो 2 प्रोटॉन लिख लिए। अब आप एक्स एलिमेंट जानना चाहते हो क्या, तो इसमें क्या बताना है अपन को, ऑन बॉम्बार्डमेंट में तो प्रोटॉन अंडरगोज अ न्यूक्लियर रिएक्शन यील्डिंग एलिमेंट एक्स शोन बिलो, टू विच ग्रुप एलिमेंट एक्स बिलोंग्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो बड़ा इजी है मेरे लिए कैलकुलेट करना, अभी कैलकुलेट करके बता देता हूँ। ये लो भाई, पहले मैं एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर लेता हूँ, मास की जरूरत ही नहीं है मुझे। ये 29 प्लस 1 है, इधर 6 इंटू 0 0 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर प्रोटॉन है तो मुझे क्या करना होगा, 2 इंटू 1 2 हो गया, तो बचा क्या, ये 30 है मेरे पास, तो ये बचा क्या, तो इसको कहेंगे भाई 26 कर दो, बैलेंस तो होंगे ना, होंगे ना बैलेंस, बताया ना मैंने तुम्हें। और किसी का भी ग्रुप या पीरियड कैसे बताएंगे अपन, उसके एटॉमिक नंबर से। जितने शेल्स होते हैं वो उसका पीरियड है, और जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसका ग्रुप नंबर। तो एक बार चेक कर लेते हैं बस, आंसर प्रेडिक्ट करने से पहले कोई गलती नहीं होनी चाहिए अपन से। तो अपन कहेंगे 18 ग्रुप में था ये, और फिर आपने क्या किया कि भाई नहीं, ये 18 ग्रुप नहीं, कॉपर था अपने पास, और कॉपर को प्रोटॉन से बॉम्बार्ड किया आपने, तो मैंने कॉपर से बॉम्बार्ड किया तो प्रोटॉन तो 1 प्लस ये 29 प्लस 1 30 हो गया। अब अपन कहेंगे यहाँ कुछ भी लिखो आप, टोटल तो 30 आना चाहिए ना एटॉमिक नंबर, ये जो 30 है उधर भी 30 बनना चाहिए ना। तो अपन ने कहा यहाँ पर न्यूट्रॉन लिखा, तो न्यूट्रॉन में तो ये वाला पार्ट जीरो होता है, 6 इंटू 0 मैंने 0 कर दिया इसको। इससे फिर इधर 2 था, अल्फा पार्टिकल था ना, तो अल्फा पार्टिकल से एटॉमिक नंबर 2 कम हो गया, मैंने 2 ले लिया उसको। फिर उसके बाद अपने पास 2 प्रोटॉन थे, तो 2 प्रोटॉन को अपने ये 2 इंटू 1 किया, तो अपने पास 2 आ गया ये।
तो इधर टोटल 30 है, तो ये तो जीरो हो गया, इसको हटाओ, ये टू हो गया, ये टू हो गया, तो बताओ एक्स का एटॉमिक नंबर कितना होगा। तो अपन कहेंगे आप इन दोनों को फोर ले लो, तो बताओ क्या ऐड करेंगे, 30 हो जाए, तो अपन ऐड कर दिया। अब अपने पास 26 आया, 26 आया तो बता दिया अपन ने, लो भाई क्या करना है। 26 का मतलब हो गया ये आयरन हो गया, और आयरन किस ग्रुप में होता है, अपन कहेंगे 2, 8, 8, 18 हो गया, और 6 एक बार और 8th ग्रुप में आ गया। बता दिया मैंने, तो ये इतने सारे 8 क्यों लिखे आपने, तो उनको पीरियोडिक टेबल में बताया ना, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट है, थर्ड सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट है, थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट है, फोर्थ में 18 एलिमेंट है, हाँ तो जितने बचे थे उतने लिख दिए मैंने, फिर 18 एलिमेंट है, फिर 32 एलिमेंट है, 32 क्या वो लेंथ राइट आ जाएंगे ना, फिर उसके बाद किसी को डाउट है तो बताओ, समझ में आया, ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 करो ना एक बार, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 करो सब लोग, क्वेश्चन नंबर 12 द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी पूछा कौन से, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन द सेकंड ऑर्बिट, तो देखो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो सेकंड बोर ऑर्बिट में ना, अब या तो हमें इक्वेशन याद होनी चाहिए या कम से कम कुछ मिनिमम पार्ट अपन को याद होना चाहिए, तो अपन कैलकुलेट कर सकते, इसलिए मैंने जानबूझ के पूछा आपको वो क्वेश्चन, ताकि आपको ना इक्वेशन याद हो, आपको इक्वेशन याद नहीं होंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, देखो एनर्जी जो होता है ना, आपने काइनेटिक एनर्जी पूछा ना, तो मुझे मतलब अब काइनेटिक एनर्जी का पूरा इक्वेशन तो याद नहीं, मुझे तो होगा आपको नहीं होगा सपोज, तब खुद कैलकुलेट करो, ऐसे लिखो सेकंड बोर ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम इज 10, तो फिर अपन लिखेंगे भाई इसको mv इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई r कर देते हैं, mv को ना स्क्वायर कर लेते हैं, तो अपने पास आया और 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो इधर अपने पास आया हाफ एम बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन, ये तो 4 हो जाएगा, 4 इंटू 1/2 भी है तो 8 हो जाएगा, तो अपन 8 कर देते हैं, 8 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर,
फिर तो इसमें काफी सारा पार्ट आ गया। डिनोमिनेटर में इन टू एम बी आएगा ना, एम बी। अच्छा एक एम उधर भी लिख देंगे, ये लो भैया। अब अपन क्या करेंगे, अब इसमें ना अपन को बोर रेडियस गिवन है ए नॉट, तो अपन क्या करेंगे भाई, बोर रेडियस गिवन है तो उससे क्या, तो अपन कहेंगे बोर रेडियस तो ऐसा होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, ये होता है। तो आर की जगह पर क्या लिख देते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर, और ये होता है a नॉट है इनटू m, मैंने इसको m को इधर लाया तो अपने पास क्या आया, a नॉट इनटू n स्क्वायर बाय z, इसका स्क्वायर करना है। अब अपन क्या लिखते हैं, तो अपन कहेंगे काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, आ गया मेरे पास। अब काइनेटिक एनर्जी या तो अपन डायरेक्टली लिख सकते थे जो अपन को पता है, या फिर अपन को पता है कि भाई अपन यहां से कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं। एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम, और ये हो जाएगा ए नॉट का स्क्वायर, और ये हो जाएगा एन टू द पावर ऑफ 4 और अपॉन जेड स्क्वायर। तो अपन क्या लिखें, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, इसमें से एन स्क्वायर तो माइनस कर देते हैं ऐसे, ये तो हटा लेते हैं, तो अपने पास बचा एच स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर को ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है, और 8 पाई स्क्वायर एम ए नॉट स्क्वायर आया अपने पास, और एन टू द पावर ऑफ इधर 4 था ना, तो 2 बचेगा, तो ये 2 बच गए। अब अपन चेक कर लेते हैं कि इसने पूछा क्या है अपन से। तो अपन से पूछा इसने सेकंड बोर ऑर्बिट में, मतलब एन का वैल्यू 2 गिवन है, इन द सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, काइनेटिक एनर्जी इन द सेकंड बोर ऑर्बिट, मतलब इधर जेड का वैल्यू मुझे 1 गिवन है और एन का वैल्यू मुझे 2 गिवन है, तो ठीक है भाई काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर, जेड का वैल्यू 1 है तो उसको सब्स्टिट्यूट नहीं करते हैं, तो 8 इंटू पाई स्क्वायर इंटू एम ए नॉट का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, आगे अपना 32 होना चाहिए आंसर सी। तो व्हाट वी रिक्वायर्ड इज कि भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो इक्वेशन आपको याद होने चाहिए, आप एक लिस्ट ऑफ इक्वेशन बनो और वो इक्वेशन को याद रखो। कोई और चॉइस है आपका इक्वेशन का, अदरवाइज यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लो, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करो और 10 को भी सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करो और क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व करेंगे, करो भाई क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व। नाइन में क्या गिवन है अपन को, वर्क फंक्शन ऑफ सम ऑफ द मेटल इज गिवन टू अस, द नंबर ऑफ मेटल्स व्हिच विल शो द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ इज स्मॉल। हाँ तो ठीक है ना, अपन क्या करेंगे ना उसमें ऐसे करें, भाई अगर ये लाइट फॉल कर रहा है इस पे, एक वेवलेंथ वाला लाइट इस पे फॉल कर रहा है, अच्छा जो एनर्जीज अपन को गिवन है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, तो ये कितना गिवन है अपन को, लैम्डा इज इक्वल टू 300 नैनोमीटर्स, अपन इसको 3000 एंगस्ट्रॉम यूनिट लिख लेते हैं, है ना, ये अपन को पता है, तो अपन को क्या पता चल जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू जो अपन फॉल करवा रहे हैं ना एनर्जी, वो कितना हो जाएगा, दैट इज 12400 डिवाइडेड बाय
3000. तो 12.4 डिवाइड बाय 3 आ गया मेरे पास, मतलब मेरे पास आ गया 4.1 और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो मैं करूंगा, आपने जो एनर्जी टोटल इसमें फॉल किया ना, दैट इज इक्वल टू 4. यहां पर जो वर्क फंक्शन E नॉट है ना, दैट कैन बी इक्वल टू दिस या फिर लेस देन दिस. मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए क्या होना चाहिए, E नॉट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 4.133 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो वहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. अगर इसका वैल्यू या तो इतना हो या इससे कम हो तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा. तो देखते हैं कितने नंबर्स आ रहे हैं जिनका ये वैल्यू 4.133 से कम है या इक्वल टू है. तो अपन कहेंगे इसमें 4.133 लिथियम होगा, सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, मैग्नीशियम होगा, बस. मतलब आंसर विल बी इक्वल टू 4 हो जाएगा भाई. कितने मेटल्स होंगे जो उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर पाएंगे, तुमने बता दिया. तो भाई अगर आप इस वेवलेंथ को फॉल करवा रहे हो मेटल शीट पे, तो कितने मेटल से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सकता है, ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 10 चेक करते हैं. अब आप क्वेश्चन नंबर 10 चेक करो, क्या है क्वेश्चन नंबर 10. तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन हैव प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3 एंड द स्पिन इज इक्वल टू ms इज इक्वल टू -1/2. n इक्वल टू 3 और -1/2, जितने ऑर्बिटल होंगे सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है. तो n नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल इजिकल टू एन स्क्वायर होता है. तो थर्ड शेल में, इन थर्ड शेल द ऑर्बिटल आर 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 हो जाएगा. तो 9 ऑर्बिटल मतलब 9 बॉक्सेस, हर एक बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन तो होगा ही जिसका -1/2 मैग्नेटिक स्पिन होगा. बता दी 9 हो गए, 9 ऊपर की तरफ होंगे और 9 नीचे की तरफ होंगे, क्योंकि 9 बॉक्सेस हो गए. क्वेश्चन नंबर 15 आप एक बार देख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 15 को चेक करो, बिल्कुल वैसे जैसे इसमें क्वेश्चन है वैसे ही 15th वाला क्वेश्चन भी है. तो क्वेश्चन नंबर 15 में अपन को गिवन है, इन एन एटम द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग क्वांटम नंबर इज इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4, और उसने कहा m इक्वल टू 1, और वो भी उसने ऐसे लगाया, मतलब दिस एंड दिस दोनों की बात कर रहा है. और ms मतलब मैग्नेटिक स्पिन, स्पिन क्वांटम नंबर -1/2 होना चाहिए, ठीक है. तो अपन कहेंगे इसमें L का वैल्यू, ये एम एल है तो ठीक है भाई, ये तो L का वैल्यू है. तो अपन कहेंगे 4s हो गया, 4p हो गया, 4d हो जाएगा और 4f हो जाएगा. ये हो गया, ये s था, 4p था, 4d था और 4f. इसमें इसके लिए तो एल का वैल्यू 0 होता है, इसलिए अपन को लिखना ही. इसमें -1 होगा, 0 होगा, +1 होगा. इसमें -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, +1 +2 होगा. इसमें -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, +1 +2 +3. कितने ऑर्बिटल हो गए -1 और +1 को लेके, तो 1, 2, 3, 4, 5 and 6 ऑर्बिटल्स हो गए. -1/2 तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे भाई. इन ऑर्बिटल्स में दो दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ना, मतलब टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स. और अपन को कौन से इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिर्फ
जो डाउनवर्ड हो, जिसका एरो, तो सिक्स हो गए। ठीक है भाई, ये सारा तो आपने बता रखा है अपन को, अपन ने क्लास में पढ़ रखा है ये सब, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। अब आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ पूछना है तो पूछो। भी नहीं पूछना। अरे यार तुम तो बड़े अच्छे बच्चे हो, कुछ भी नहीं पूछते। तो फिर अपन वापस शुरू करें, अपन पढ़ रहे थे इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर में पार्ट टू सॉल्व किया आपने। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पार्ट टू सॉल्व किया क्या आपने? किया टाइम थिंकिंग कि जो लास्ट टाइम पेपर हुआ ना, जो जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था ना, अभी इन बच्चों का जो एसी वन वाले बच्चे हैं, इनका भी पेपर आप एक बार देख सकते हो कि पेपर कैसे आता है उनको। मतलब अपन पूछ सकते हैं कि आपका जो फर्स्ट और सेकंड टेस्ट हुआ था वो टेस्ट हमसे शेयर, मैं आपसे भी शेयर कर दूंगा या मैं ही भेज दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो आप उसमें एक बार आपको आइडिया आ जाएगा कि किस टाइप से पेपर आएगा और कैसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना? तो वो मैं आपको भेज दूंगा, मेरे पास होगा वो पेपर तो मैं आपको शेयर कर लूंगा उस पेपर, ठीक है? बाय द टाइम आप मुझे ये बता दो कि अगर कोई डाउट है तो ठीक है, अदरवाइज हम आगे पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो आप आगे पढ़ सकते हैं, या फिर मैं ही आपको क्वेश्चन दे दूं, क्योंकि हमें प्रैक्टिस तो करना ही चाहिए ना, संडे को टेस्ट है, टेस्ट को सीरियसली लेना, क्योंकि जब टेस्ट में आपके मार्क्स आएंगे तभी आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है ना? और पेरेंट्स को भी कॉन्फिडेंस आता है कि भाई ठीक है बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आप ऐसे करो, क्वेश्चन नंबर, या फिर अभी क्वेश्चन मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ, तुम लोग कहाँ सॉल्व कर रहे हो, आंसर बताओ तुम लोग सॉल्व करके। तो सेकंड पार्ट में आप कुछ क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में ना क्वेश्चन नंबर 13, पार्ट टू का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करो अभी। पार्ट टू का क्वेश्चन नंबर 13, पार्ट टू का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करो। एंड ओनली, मतलब आज ही की क्लास के लिए मैं ऐसे करवा रहा हूं आपको कि ये सॉल्व करो ये सॉल्व करो, ऐसे नहीं करवाने वाला। आप डाउट पूछो और मैं बताऊंगा, ठीक है? आप डाउट पूछो, मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चंस। तो अभी आप क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 13,
क्वेश्चन इज वेरी इजी ना, क्या करना है अपन को, रेडियस की बात करनी है बस। अपन क्या करेंगे 0.529 इनटू एन स्क्वायर बाय जेड होता है, लेकिन ये क्या होता है एंगस्ट्रॉम। अपन को रेडियस किसमें गिवन है, पिकोमीटर। तो 1 picometer 10^12 meters है ना, n इक्वल टू 2 आ गया। वेरी गुड, चलो भाई देखो अपन को n बता दिया उसने, n इक्वल टू 2, बिल्कुल दैट इज व्हाट आई वांट, ठीक है ना। बाकी के लिए एक बार मैं बता देता हूँ, और 1 angstrom यूनिट इज इक्वल टू होता है 10^-10। तो ये एमस्ट्रॉन्ग यूनिट में गिवन है, तो फिर इसको भी एमस्ट्रॉन्ग यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अपन कहेंगे देखो भाई 1 angstrom यूनिट इज इक्वल टू दिस मच मीटर्स, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पिकोमीटर और एमस्ट्रॉन्ग यूनिट में रिलेशन बता सकता हूँ। कैसे, तो अपन इसको ना 1 angstrom 1 picometer इज इक्वल टू दिस मच, तो इतना मीटर्स इज इक्वल टू हाउ मेनी एंगस्ट्रॉम यूनिट, तो ठीक है भाई इधर हो जाएगा अपने पास 1/10^-12 मल्टीप्लाई बाय 10^-10, तो इतना पिकोमीटर्स आ जाएगा 100 picometers। हमको पिकोमीटर्स में गिवन ना, अपन को किसमें लेना है, ये तो आप इसको कन्वर्ट कर लो, एंगस्ट्रॉम यूनिट और पिकोमीटर्स में क्या डिफरेंस होता है अपन को पता है। सो 10^-12 meters इज इक्वल टू 1 picometer, तो 10^-10 meters इज इक्वल टू हाउ मेनी पिकोमीटर्स, क्योंकि ये एंगस्ट्रॉम यूनिट था ना अपने पास, ये ऐसे गिवन था ना, एंगस्ट्रॉम यूनिट को अपन 10^-10 meters में कन्वर्ट करेंगे ना। तो ये इक्वेशन अपना क्या कन्वर्ट हो गया था, एंगस्ट्रॉम मीटर्स में, और ये गिवन है अपन को पिकोमीटर्स में, तो अपन कैलकुलेट करना चाहते थे भाई पिकोमीटर रोज में क्या। तो एंगस्ट्रॉम यूनिट जो है वो 100 times बड़ा होता है बता दे तुम। तो यहाँ पर रेडियस आ गया अपने पास, एंगस्ट्रॉम यूनिट में आ गया ना ये, तो अपने पास ये पिकोमीटर्स, पिकोमीटर्स जो था वो एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट हो गया। तो अपन इसको लिख लेते हैं कितना गिवन है अपन को, कहाँ था, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 39 मिल गया, तो अपन को ये गिवन है 0.22116 कितने गिवन, कहाँ गया, नहीं ये पिकोमीटर्स में 211.6 picometers के बना है, तो दिस विल बी इक्वल टू 0.529 इनटू एन स्क्वायर बाय जेड इनटू 10^-10 मीटर्स, इसको भी मीटर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ 10^-12 meters, ये लगा ही हो गया। और वैसे भी सारे कैलकुलेशन अपन को एमकेएस में ही करते हैं, ये लोग मीटर्स आ गया, तो क्या करें अपन, ये 10^ ये और ये 10^ क्या लिख लें अपन, 10^-2, तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.2116 इज इक्वल टू आ गया अपने पास, z का वैल्यू 1 दे रखा है अपन को, इनटू 1 / 0.529 इज इक्वल टू n स्क्वायर, लो भाई n का वैल्यू 2 आ गया, क्योंकि इसको कैंसिल करेंगे ना। तो कैसे लिखे अपन उसको, ये 100 होगा, 2.1 होगा, सॉरी ये 2.1 होगा, क्योंकि 100 ये 10^-2 है ना, तो 1 और 2 इधर डेसिमल लगा देना, ठीक थोड़ी है वो, तो अपने पास आंसर आ गया ये, लो भाई। अब अपन क्या कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आपको मुझे सारे क्वेश्चन इजी लग रहे हैं, प्रॉब्लम ये तुम लोगों ने सॉल्व नहीं किया ना, सब गड़बड़ कर दिया, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए।
मुझे लगा तुम लोग अच्छे बच्चे की तरह उनको सारे सॉल्व कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करो अभी, क्वेश्चन नंबर 19 को। तो अपन को क्या बताना है भाई, E total is equal to E naught plus kinetic energy बताना है अपन को। ये होता है the total energy, अपन को पता तो है total energy जो emit करेगा metal surface को, E total हो गया, E naught is the work function और इधर से जो emit होगा वो kinetic energy होगा, जो electron eject होगा ना metal surface पे उसके पास kinetic energy होता है, तो उसके बारे में बात कर रहा है। Which of the following graph shows shown below does not represent the relationship between the incident light and the electron ejected from the metal surface? बता देंगे भाई। तो first वाला, second वाला, third वाला, क्या होना चाहिए आंसर? जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाया ना मैंने, उसके हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। बताओ मैं, चलो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज एनर्जी ऑफ लाइट। अगर आप एनर्जी ऑफ लाइट और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन बताओगे तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, लेकिन ये जीरो थोड़ी हो सकता है। अपन ये कहेंगे कि भाई ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे अपन, तो आपने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ले रखा है और यहाँ पर एनर्जी ले रखा है, मतलब ई टोटल की बात कर रहे हो आप। लेकिन ई टोटल और काइनेटिक एनर्जी में ये भी तो एक इंटरसेप्ट होगा ना, ई भाई आपने इसको वाई एक्स, इसको आपने लिखा वाई एक्सिस पे, इसको आपने लिखा एक्स एक्सिस पे, तो जीरो भी तो लिखना पड़ेगा ना, इंटरसेप्ट भी तो होगा वहां, इसके बगैर थोड़ी बन सकता है। तो अपन ने क्या किया, यहां जीरो से ये इंटरसेप्ट मार दिया, ये जो वैल्यू है ना ये वाला पार्ट, दिस इज अवर ई नॉट। हां तो फिर ई नॉट अगर वो है तो उसके बाद बोल सकता हूं मैं कि दीस टू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब यहां पर ये एक्सेस अगर यहां से ड्रॉप करते तो काइनेटिक एनर्जी और ई टोटल को क्या आना चाहिए था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आना चाहिए था। लेकिन ई नॉट का वैल्यू आपको लेना पड़ेगा जो इंटरसेप्ट है, यहां से शुरू नहीं कर सकते आप कि काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा तो ये भी जीरो होगा, नहीं। अगर ये जीरो होगा ना तो भी ये दोनों इक्वल होंगे, अभी अपन को पता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये जीरो होगा तब भी ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब एनर्जी का वैल्यू तो तब भी होगा अगर ये जीरो है तब भी, मतलब ये तो थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी ना, तो भाई मिनिमम इतना एनर्जी होगा तो इजेक्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद अगर एनर्जी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी भी आएगी। और आपने ना फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट लिखा हुआ है और ये ना अजीब सा ग्राफ बना दिया अपने ऐसे, तो क्या ये करेक्ट होगा? तो अपन कहेंगे देखो भाई फ्रीक्वेंसी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड विल रिमेन, विल नॉट इंक्रीज, इट विल रिमेन कांस्टेंट। व्हाट इज सो भाई, इसकी एनर्जी बढ़ाने से एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर पाएगा, तो इसकी एनर्जी बढ़ाने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन थोड़ी इजेक्ट होने वाले, क्योंकि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को हिट करके उसको इजेक्ट करवा सकता है। अब अगर मैं इसकी एनर्जी बढ़ाऊंगा तो कोई बात नहीं, जो इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ी बढ़ जाएगा।
तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, मान लिया आपने कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ी बढ़ेंगे, वो तो कांस्टेंट रहेंगे, तो ये स्ट्रेट लाइन है। अब ये क्या है ये तो बता दो, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन इधर पैरेलल ऐसे आ गया, तो अपन कहेंगे ना भाई सीधी सीधी बात है, ये एच न्यू है, ये एच न्यू नॉट है प्लस काइनेटिक एनर्जी है। तो अपन क्या कहेंगे भाई न्यू नॉट का वैल्यू, अब आप फ्रीक्वेंसी से बनाओगे तो न्यू नॉट का वैल्यू थोड़ी जीरो बताऊंगा, ये तो वैल्यू कुछ रहेगी ना, एंड दिस इज न्यू नॉट, फ्रीक्वेंसी तो वहीं से शुरू होनी चाहिए ना भाई, मिनिमम इतना फ्रीक्वेंसी होगा तो उसके बाद ही फोटो, यहाँ के बाद ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू हो सकता है ना। अगर ये एनर्जी इससे कम है, ये एनर्जी, तो इजेक्शन तो हो ही नहीं सकता ना, मतलब ये फ्रीक्वेंसी अगर इससे कम है तो इजेक्शन होगा, लेकिन अगर ये फ्रीक्वेंसी कम है इससे, मतलब अगर इसका वैल्यू, क्योंकि यहां से ये न्यू हो गया ना, लेकिन अगर कम होगा न्यू नॉट से कम, इसका वैल्यू अगर न्यू नॉट से कम है, मतलब ये न्यू जो है और ये न्यू नॉट होगा, तो अगर इसका वैल्यू इससे कम है तो इजेक्शन होगा ही नहीं। वही तो वो बता रहा है कि इससे पहले तो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन की बात ही नहीं करनी है, कम से कम ये दोनों बराबर करो, उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन की बात करूंगा, वो भी करेक्ट। थर्ड वाले की बात, थर्ड वाले में आपने लिखा है काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, तो अपन कहेंगे ये तो बिल्कुल गलत है, यहां से तो शुरू हो ही नहीं सकता है। भाई फ्रीक्वेंसी लिखो या एनर्जी लिखो एक ही बात है ना, ये लिखो या ये लिखो एक ही बात है ना, एनर्जी लिखो या फ्रीक्वेंसी लिखो, क्योंकि एच तो कांस्टेंट है ना, और वो कहां से शुरू होना चाहिए था, यहां से शुरू होना चाहिए था ग्राफ, क्योंकि इसमें न्यू नॉट, ये इस ग्राफ के हिसाब से तो आप कह रहे हो कि न्यू नॉट जीरो होता है, तो किसी मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन निकालना उससे जीरो थोड़ी हो सकता है, और ये तो यही बोल रहा है कि इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना जीरो होगा, गलत। सो न्यू नॉट का वैल्यू तो आएगा ही आएगा, आपको इस ग्राफ को यहां से बनाना चाहिए था ऐसे, और यहां से यहां तक क्या बताते आप, न्यू नॉट बताते, जैसे आप ई नॉट बता रहे, ग्राफ गलत है। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाले में अपन को गिवन है काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ रेडिएशन लिखा हुआ है, इस पार्ट में इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रेडिएशंस। हाँ तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा ना, अगर काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट अगर इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो, वो क्यों, क्योंकि अगर मान लो इसी एनर्जी के मैंने टू फोटॉन्स इस पे फॉल करवाए, तो जितना काइनेटिक एनर्जी वन फोटोन का होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी सेकेंड फोटोन का भी होगा, अगर दोनों फोटोन की फ्रीक्वेंसी एक जैसी है तो। आप इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग ऑन द सरफेस इंक्रीजेस, तो अगर पहले एक फोटोन हिट करके काइनेटिक एनर्जी 2 kcal इजेक्ट कर रहा था, तो अब दो फोटोन हिट करके 2 इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी 2 kcal होगा, मतलब सेम होगा। तो आप नंबर ऑफ रेडिएशन फॉलिंग अगर बढ़ाओगे तो मैं ये थोड़ी कहूंगा, ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाओगे तो मैं ये नहीं कहूंगा कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की, मैं कहूंगा वर्क फंक्शन तो इसका कांस्टेंट होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड बढ़ जाएगा, लेकिन सभी का काइनेटिक एनर्जी एक जैसा होगा अगर फ्रीक्वेंसी फॉलिंग ऑन द सरफेस इज सेम। तो इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग ऑन द सरफेस इज सेम, अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स falling on the surface is same with the same frequency, then the electron ejected will also have the kinetic energy constant. So, वो चीज़ बता रहे हैं तुमको, दे तो करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, kinetic energy will remain constant if the intensity of photon increases. Intensity मतलब number. That is correct. ठीक है, तो तुमने intensity को graph के हिसाब से भी बढ़ लिया, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पहले सॉल्व कर लेने चाहिए, और उसके बाद आपका होमवर्क यही है, नेक्स्ट क्लास में आप अप टू एक्सरसाइज 3 सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, संडे को टेस्ट है तो आपको करना भी चाहिए, तो वेरी फर्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगा ये डाउट्स और टेस्ट भी डिस्कस करूंगा। एक पुराना टेस्ट मैं आपको भेजता हूँ, लास्ट वाला टेस्ट, लास्ट टू लास्ट वाला टेस्ट होगा उनका, वो कैसे हुआ था उस टेस्ट को आप देखो, और उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर और इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री के क्वेश्चंस चेक करो।
ठीक है। तो आज इतना ही पढ़ते हैं और नेक्स्ट क्लास में अपन अपना मूल कॉन्सेप्ट आफ्टर डिस्कशन ऑफ डाउट्स फिर अपन कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके सर, बाय सर। ठीक है बेटा, गुड लक फॉर द टेस्ट। सर टेस्ट नेक्स्ट संडे को। हाँ सर, टेस्ट नेक्स्ट संडे को है। अच्छा हाँ, अच्छा चलो बच गया मैं तो टेंशन में आ गया था कि यार तुम लोग कैसे करोगे, है ना। चलो ठीक है, तो मंडे को सारे डाउट्स बता देते ना पहले, ये सारे डाउट्स आप खुद करके आते ना पढ़ लेते। मुझे लगा संडे को, मैं बोल तो रहा था बार बार संडे को टेस्ट है आपका। चलो कोई बात नहीं, फिर भी हमने रिवाइज तो कर लिया, डाउट्स तो काफी, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, मंडे को आप सारा सॉल्व करके आप लेके आओ मंडे को अपना क्लास होगा, ठीक है। और फिर अपन मंडे को डाउट डिस्कशन करने के बाद मूल कॉन्सेप्ट कंटिन्यू करेंगे। ओके सर। ओके चलो, थैंक यू। थैंक यू सर, बाय बाय।